हाँ दोस्तों, वापस आपका स्वागत है कोडिंग की एक मजेदार दुनिया में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या आ चुका हूँ, एक आरोग्य सेतु जैसा ऐप जिसमें हम एक सेल्फ एवेल्युएशन टेस्ट रखेंगे, जिससे आखिरी में यूजर को ये पता चल जाएगा कि वो COVID-19 के रिस्क पे है या फिर नहीं है। जैसे आपने आरोग्य सेतु चलाया होगा तो उसमें भी हमको एक असेसमेंट टेस्ट देना होता है, वैसा सा ये ऐप है। तो ये हमारी होम स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर हम आ जाएंगे। जब हम ये आइकन, ये जो हमारा हार्ट वाला आइकन है, इसको जब हम क्लिक करेंगे हमारी इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब इस स्क्रीन पर ये हमको एक असेसमेंट के बारे में बता देगा। अब हम इसको प्रोसीड करेंगे। जब हम प्रोसीड करेंगे तो हमको एक वार्निंग सी मिल जाएगी कि प्लीज गिव करेक्ट आंसर्स। तो जब हम ओके कोटेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो हमने क्लिक करा तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू करेंटली एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, कि अगर आप कोई भी ऐसे सिम्टम्स को क्या कहते हैं आप फील कर रहे हो कि कफ, फीवर या फिर बहुत सारी ये हैं, तो अगर आप है तो आप येस पे क्लिक करोगे या फिर नहीं है तो नो के लिए। अब हम टेस्टिंग के लिए पहले येस पे क्लिक करते हैं और फिर डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस, हम इसमें भी येस कर लेते हैं। हमको टेस्ट करना है कि ऐप सही से वर्क कर रहा है नहीं। और इफ़ यू हैव ट्रेवल्ड इन पास्ट 14 डेज, तो हम इसमें भी येस कर देते हैं। तो हमको ये आखिरी में जो आंसर निकला हमारी टेस्ट का वो है कि इफ़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड यू बाय यू इज करेक्ट, इट इंडिकेट्स दैट यू आर ईदर अनवेल या फिर और एट अ रिस्क। तो ये मतलब हमको बता रहा है कि हम या तो अनवेल है या फिर हम रिस्क पे हैं। तो अब ये तो हमने क्योंकि सारी बातों को येस करा था इसलिए हम इस पे आ गए। अब हम ट्राई करते हैं नो करके या फिर नो और येस का कॉम्बिनेशन बना के। जैसे मैं इस पे चलता हूँ, पहले मैं नो कर देता हूँ कि मेरे को ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अगर मैं ये है और अगर इसको मैं नो करूँ तो भी मेरे को ये अनवेल का तो आ ही जाएगा, क्योंकि ज़रूरी है अगर आपके कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आप अनवेल तो हो ही। और अगर मैं सब में ही नो कर दूंगा, अगर मैं सब में नो करूँ, सब में नो करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा कि योर इन्फेक्शन रिस्क इज लो, वी रिकमेंड दैट यू स्टे एट होम टू अवॉइड एनी चांस ऑफ एक्सपोजर टू नोवल कोरोना वायरस। तो ये है हमारा पूरा अच्छा सा ऐप, आरोग्य सेतु जैसा ऐप है, जिसमें हमने वैसे ज़्यादा क्वेश्चन रखे नहीं है, 3 क्वेश्चन ही रखे, ताकि हम बस एक बार हम जो बेस है इस ऐप का वो समझ सके। आप चाहे तो मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसमें जाओ और इसको और इफेक्टिव कैसे बना सकते हो आप वो ट्राई करो, इसमें और क्या चीज़ें आप डाल सकते हो वो भी ट्राई करना। अब हम इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारा कोड, तो चलते हैं हम हमारे कोड पर। तो ये हमारी होम स्क्रीन है, ये वाली जो स्क्रीन है ये हमारी होम स्क्रीन है। तो सबसे पहले होम स्क्रीन पे जब हमने ये हार्ट वाला साइन क्लिक करा, जब हम ये हार्ट वाला स्क्रीन साइन को क्लिक करेंगे, इधर मैंने एक लेबल बॉक्स लगा रखे हैं जिसको मैंने स्टार्ट के नाम से रीनेम कर रखा है। तो हम कौन सी स्क्रीन पे आ जाएंगे, हम स्क्रीन पर आ जाएंगे और एक साउंड भी प्ले हो जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, सेट स्क्रीन, हम हमारी जो सेल्फ असेसमेंट वाली स्क्रीन है हम इधर आ जाएंगे। और इधर अब देखो जो हम वो कर रहे थे, हम हमारा क्या कहते हैं जो रिस्क हम ऐसे कर रहे थे, इसका जो बेस है वो मैं बताता हूँ हमने कैसे करे। ये जो इधर आप एक 0 का पॉइंट देख लोगे, आप जब टेस्टिंग में हमने ये नहीं देखा था, इसको मैंने हाइड कर रखा है। अब मैंने क्या करा, ये जो 0 है, जैसे जैसे अगर किसी बंदे ने यस बोला तो इसमें मैं पॉइंट्स इंक्रीज करता जाऊंगा, और जैसे जैसे किसी बंदे ने नो बोला तो इसमें पॉइंट्स हम सेम रखेंगे। ये अब अभी आगे वाले जब हम कोड डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और इसी पॉइंट के हिसाब से हम जो हमारी कंक्लूजन निकालेंगे कि यूजर के जो रिस्क है वो लो है या फिर हाई है। तो आप आगे तक वीडियो देखते जाओ, आपको पूरा कोड सही से समझ में आ जाएगा। तो हमने इस वैसे इस जो रिस्क पॉइंट ये जो 0 है इसको हमने हाइड कर दिया, क्योंकि हमको यूजर को ये देखने नहीं देना है, तो इसलिए हाइड एलिमेंट रिस्क पॉइंट्स हमने कर दिया है। अब जब ये प्रोसीड वाला क्लिक होएगा तो हम हमारी थर्ड स्क्रीन पर आ जाएंगे, और इसको हमने हाइड कर दिया है, इसको आप इधर भी रख सकते हैं, सॉरी। और उसके बाद जब ये ओके गॉट इट वाला, जो हमारे गॉट इट वाला बटन क्लिक होएगा, इसको मैंने गॉट इट से नाम से हमने रीनेम कर रखा है इसकी आईडी को, हम हमारी Q1 वाली फर्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन है। तो अब जो हमारे ये यस है, जब ये Q1 क्लिक होएगा, Q1 है कि ये बता रहा है कि जो हमारा यूजर है उसके कोई ना कोई सिम्टम्स है, जैसे कफ, फीवर, सोर थ्रोट, तो ये कोई ना कोई यूजर के सिम्टम है जो एक अनवेल को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए मैंने क्या कर रहा है, जो हमारा 0 वाला ये पॉइंट था, ये जो 0 वाला पॉइंट है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, मैंने इसको कर दिया है +2, इसकी वैल्यू में मैंने 2 का इंक्रीज ला दिया है, क्योंकि यूजर ने हमारा जो येस वाला बटन क्लिक करा है। तो जैसे ये येस वाला बटन क्लिक होएगा, हमारी हमारी इस वाली स्क्रीन पर तो रिडायरेक्ट हो ही जाएंगे,
ऊपर उसके साथ साथ जो हमारा डिस्क पॉइंट है, ये जो जीरो नंबर है, इस जीरो नंबर में मैं जो टू वैल्यू है उसको प्लस कर दूंगा। अब ये मैं इसमें वैल्यू प्लस क्यों कर रहा हूँ, ये अब आप आगे जाके देखोगे, क्योंकि मैं इस वैल्यू की फाइनल जो हमारी स्क्रीन होगी उसमें हम इसी वैल्यू को इवेल्युएट करके जो है रिस्क को निकालेंगे। तो जब हमने यस को क्लिक करा तो हमने जो हमारा जीरो है या फिर रिस्क पॉइंट्स है उसको प्लस टू ऐड कर दिया है और हमारी इस स्क्रीन पर आ गए हैं। उसके बाद अभी है, आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको वापस से चला के दिखाता हूँ इस ऐप को, तो ये अभी हमारा ऐप चल रहा है, तो हमने इसको करा था, ये हम आते हैं, मैं इसमें यस कर देता हूँ। तो ये हम अभी हमको जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो नहीं दिख रहा, वो हमने कैसे करा है, हम हाइड कर, हमने उसको हाइड कर दिया, और जैसे ही हम कोई ना कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन अपियर हो जाता है, वो आप हाइड एलिमेंट से कर सकते हो। तो इसलिए मैंने हाइड एलिमेंट ये क्वेश्चन थ्री, यस थ्री और नो थ्री को हाइड कर दिया है। अब जो यस टू है, ये वाला यस टू है, जब ये क्लिक होएगा तो हम रिस्क पॉइंट्स में एक और 2 पॉइंट्स का एडिशन ला देंगे। तो अगर देखो कोरोना वायरस में ये है कि अगर किसी यूजर के प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है तो उसको होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हमने जो अगर यस क्लिक हुआ तो हम जो रिस्क पॉइंट्स है उसमें 2 का एडिशन ला देंगे। तो अगर यूजर ने पहले वाले को चूज नहीं करा होगा लेकिन अब चूज कर देगा तो भी उनके पॉइंट पे 2 का एडिशन आ जाएगा, और अभी हम उनकी वैल्यू हो गई है, टोटल वैल्यू 2 हो गया। अगर दोनों चूज करें तो 2 + 2 हमारी 4 वैल्यू हो जाएगी। और ये हमने कैसे करा है, इसकी वैल्यू में एडिशन हमने ऐसे लाए कि जो हमारा सेट नंबर रिस्क पॉइंट्स, ये जो हमारा नंबर है, ये जो नंबर है इसका नाम है रिस्क पॉइंट्स। हम इस तो आपको पता होगा जब भी हम सेट नंबर करते हैं तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो हमको क्या क्या किसको सेट करना है, कौन से लेवल को सेट करना है, और क्या उसमें वैल्यू सेट करनी है। तो रिस्क पॉइंट्स को हमको सेट करना है, और हमको क्या सेट करना है, हमको सेट करना है कि जो तो रिस्क पॉइंट्स में अभी एक्चुअल नंबर है उसमें हमको 2 और एडिट कर देना है। वो हम कैसे कर देंगे, पहले हम उस नंबर को ले लेंगे जो हमारा नंबर है, गेट नंबर रिस्क पॉइंट्स, हम उस नंबर को ले लेंगे उसमें प्लस 2 कर देंगे। तो ऐसे आप रिस्क पॉइंट्स में जो है 2 वैल्यू को ऐड कर सकते हो। तो जब हम येस वाला बटन क्लिक होएगा, जो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का येस है, जब ये येस 2 क्लिक होएगा तो रिस्क पॉइंट्स में 2 का एडिशन आ जाएगा, और जो हमारा ये एलिमेंट्स हैं ये दिखने चालू हो, मतलब शो हो जाएंगे। और अब ये जरूरी नहीं कि यूजर यस को ही चूज करे या फिर टू नो को चूज करे, इसलिए हमने इधर नो के लिए भी कोड कर दिया। नो जब यूजर नो को क्लिक कर रहा है तब हमको कोई पॉइंट्स में एडिशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नो है मतलब उनके कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो पॉइंट्स में क्या ही एडिशन करेंगे हम, इसलिए जो है हम इसको नो को क्लिक करेंगे तो हम कोई सेट नंबर की कमांड नहीं डालेंगे, जो हमारे ये बस ये 3 लेबल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं शो कर देंगे। उसके बाद अब ये वाली पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अब हमारे ये हमने क्वेश्चन 2 और 3 कर लिया, अब हमारे 3 पे है, क्वेश्चन 3 जब है, जब हमारा यस 3 क्लिक होएगा अभी हमारा कंक्लूडिंग स्टेज है, क्योंकि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हमको जो रिस्क पॉइंट्स है उनको इवेल्युएट करना है और एक कंडीशन निकालनी कि जो यूजर है उसका जो रिस्क है वो लो है, इन्फेक्शन का रिस्क लो है या फिर रिस्क हाई है। तो हम वो कैसे करेंगे, जब ये यस 3 क्लिक होएगा, जब ये यस 3 क्लिक होएगा सेट नंबर, हम वापस से यस क्लिक कर रहे हैं इसलिए हम सेट नंबर को हम करेंगे, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट सा डाला कि मतलब जरूरी नहीं है कि वो किसी स्टेट में ट्रेवल करे होंगे, तो जरूरी नहीं है कि उनको वो इन्फेक्शन हुआ होगा, हम एक मतलब इसको इतना मोर इम्पोर्टेंट नहीं लेंगे। तो हम डाल देंगे कि सेट नंबर रिस्क पॉइंट, इसको हम टू इसमें 2 पॉइंट्स ऐड नहीं करें, सिर्फ 1 पॉइंट ही ऐड करेंगे। तो अगर यस क्लिक करा तो उसमें हम 1 पॉइंट ऐड कर देंगे। अगर अब इफ गेट नंबर, ये हमारा कंक्लूडिंग स्टेज है और हमको एक कंडीशन डालनी पड़ेगी, अगर जो हमारा रिस्क पॉइंट्स है, जो हमारे रिस्क पॉइंट्स है, अब अगर दोनों यूजर ने तीनों में यस भरा तो अब टोटल क्या बनेगा, आप बोल सकते हैं कि टोटल 5 बनेगा। तो अगर जो रिस्क पॉइंट्स है वो 1 से ग्रेटर है, हम ये डाल दें कि जो रिस्क पॉइंट्स है वो 1 से ज़्यादा है, मतलब अगर रिस्क पॉइंट्स 1 ही निकले है, एडिशन करके सिर्फ 1 निकले, कि पहले 2 में तो यूजर ने 0 0 मतलब नो नो करा और बस ये कहा है कि मैं कहीं पे घूमने गया था मतलब लास्ट 14 डेज में। तो अगर रिस्क पॉइंट्स मतलब 1 से ग्रेटर है तो मतलब कि यूजर को जो है रिस्क है हाई है, तो इसलिए हम हमारी जो सेट स्क्रीन या रिस्क हाई वाली स्क्रीन पर हम जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और अगर जो जो रिस्क पॉइंट्स की वैल्यू 1 से छोटी है, जब अगर रिस्क पॉइंट्स की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब कि जो यूजर है, एल्स में हम यही डाल देंगे कि 1 से वैल्यू छोटी है, मतलब कि यूजर ने सिर्फ यही कहा है कि मैं बस गया था, बाहर गया था, तो उसमें कोई इतना हम वो नहीं कह सकते कि रिस्क है, तो इसलिए हम ये स्क्रीन पर आ जाएंगे कि रिस्क इज लो।
जो हमारा रिस्क है वो लो है इन्फेक्शन का, तो इसलिए एल्स हम सेट स्क्रीन डाल देंगे रिस्क इज लो। और अगर यूजर ने दो तीनों में ही नो भरा है तो वो तो और भी अच्छी बात है, तब भी हम हमारे इसी हमारे इसी स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो एक बार मैं आप ही से आपको एक और समझा देता हूँ। जब हमारा ये S3 वाला इनपुट बटन क्लिक होएगा तो एक कंडीशन चेक होगी कि अगर रिस्क पॉइंट्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमारी रिस्क हाई वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे, और रिस्क पॉइंट्स की वैल्यू कम है 1 से कम है तो हमारी रिस्क लो वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। वैसे ही आपको हमारी नो थ्री वाला जो हमारा बटन है क्वेश्चन 3 के लिए, इस पे भी आपको ये डाल देना है। तो ये था हमारा पूरा ऐप, छोटा सा इसका कोड था। होप करता हूँ आपको एक पूरा कोड सही से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें सिर्फ जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यूज़ करा है वो हमने यूज़ करा है कि हमने एक लेबल ले लिया जिसको हमने यूज़र को नहीं देखने देना उसको लेबल को, इसलिए हमने उस लेबल को हाइड कर रखा है। और जैसे जैसे अगर यूज़र कहेगा कि मेरे को ये सिम्टम्स है या फिर येस का बटन जब चूज करेगा तो हम उसमें उस लेबल हमारे लेबल में वैल्यू को ऐड करवा देंगे, या हम उसको उसकी वैल्यू को 2 ऐड करवाएंगे या फिर उस वैल्यू को हमने 1 ऐड करवाया है। और फिर आखिरी में जब हम कंक्लूड करेंगे तो हम उन्हीं रिस्क पॉइंट्स की वैल्यू को देखेंगे कि यूज़र के 0 पॉइंट्स हैं, रिस्क के 1 पॉइंट्स हैं, 2 हैं या फिर 4 है या फिर 5 है। हम उन पॉइंट्स को देखेंगे और फिर हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर जो रिस्क पॉइंट्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा है मतलब वो रिस्क हाई है, और 1 से कम हमारे 1 से कम है तो रिस्क की पॉइंट्स रिस्क है बहुत कम है। तो ये हमारा पूरा ऐप था। लेकिन अभी भी आपको इस ऐप में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैंने इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप इस ऐप को खोलो, इसमें और क्या चेंजेस ला सकते हो वो करो, इससे आपके और कॉन्सेप्ट कोडिंग के बेहतर होते जाएंगे। तो आज की वाली इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन वाले आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे चैनल की सारी वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।